तो ये भाई सब आप जितने सारे फूल देख रहे हो ना, ये सारे रात में ना बहुत ज्यादा गंद कर रहे थे। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग सुप्रभात। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपका भाई भी मस्त है, अच्छा खासा है। तो भाई साहब, रात में हमने कुछ इस वाले जगह पे कैंपिंग की थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, हमने किसी तरह सर्वाइव कर लिया। हाँ, यहाँ पे आसपास देख सकते हो आप, होटल वगैरह कुछ भी नहीं है। हमने खाने के लिए बिस्कुट वगैरह इंतजाम कर लिया, उसी से हमने किसी तरह सर्वाइव कर लिया। तो हमारी मस्त वाली मॉर्निंग हो चुकी है, पूरा फ्रेशनेस वाली। और अब भी चलते हैं कल भाई साहब जो श्री कल्पेश्वर महादेव मंदिर के पास, वो पीछे मंदिर है, मैं यहाँ पर अपना टेंट लगाया था। तो यहाँ भाई साहब ना कल इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब था कि मेरा पूरा शरीर ना गंदा, मतलब गंदा हो चुका था पूरे धूल कण से। तो मैं ना सोचा कल रात में जब मैं आया यहाँ पे, तो वहाँ पे देख सकते हो आप वाटरफॉल है, मैंने कहा चलते हैं स्नान करने के लिए। बट भाई साहब ठंड ना इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा आराम से स्लीपिंग में अपना निकाला, वीडियोज एडिटिंग की और सो गया। तो अब भी चलते हैं स्नान करते हैं, अपना सारा सामान सब पैक करते हैं। और आज जो हमारी यात्रा है भाई साहब, वो यहाँ से शुरू होती है, हेमकुंड साहिब यात्रा। ठीक है, तो आज पहले जल्दी से फ्रेश होते हैं, फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। मैंने भाई साहब आपको एक चीज़ नहीं बताया, मैं जब यहाँ कल आ रहा था ना, तो मैंने एक होटल में रास्ते में खाना खाया और वहीं पे भाई साहब अपना फ़ोन जो है वो चार्ज में लगाया था, आईफोन। भाई साहब मैं खाना खाया, अपना फ़ोन भी चार्ज हो गया, बट भाई साहब मैं ना चार्जर उसी वाली दुकान पर भूल गया हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा रात में ट्रैक करने की कोशिश की, भैया के होटल का नंबर लेने की प्रयास किया, बट भाई साहब होटल के आसपास एक भैया का फ़ोन लगा है, तो वो भैया बोले हैं कि आज 9 से 10 बजे वो वहाँ पे जाएंगे दुकान पे, और मेरा चार्जर वहाँ पे है या नहीं है वो तो वही भैया बताएंगे कॉल करके। अगर भाई साहब नहीं होगी ना, तो मुझे लंबा वाला चूना लग जाएगा भाई साहब। वो 1800-1900 में मैंने चार्जर खरीदा था आईफोन का, मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ भाई साहब। मुझसे पता नहीं, मैं कितना भी कोशिश करता हूँ कि मुझसे गलतियाँ ना हो, फिर भी हो जाते हैं ऐसे ही यार। मैं क्या करूँ, अब हो रही तो हो रही है, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, कोशिश करूँगा कि हमसे गलतियाँ ना हो यार इतना। अभी भाई साहब चलना है हमें यहाँ से स्नान करने के लिए, फ्रेश फ्रेश होने के लिए। भाई साहब पहाड़ों में हम इसी तरह फ्रेश होते हैं। ये देखो अपना ब्रश दिया है, साबुन है, कपड़ा है, एक दो टी शर्ट भी खींचना है, मेरा बहुत सारा कपड़ा गंदा हो चुका है। फिर आप लोग कहोगे तो एक ही कपड़े में पूरा घूमता है। और अभी ना भाई साहब मुझे होटल वाले भैया ने कॉल किया था जहाँ मेरा चार्जर छूटा। आप लोग खुश मत हो यार, खो गया मेरा चार्जर। भैया ने कहा कि नहीं, आपका यहाँ पे कोई चार्जर नहीं छूटा है। हाँ मैं कोशिश करता हूँ अगर छूटा होगा, क्योंकि बहुत सारे आते हैं ना चार्ज लगाने के लिए, कोई लेके चले गए होंगे। तो भाई साहब मुझे ना 2000 का चूना लग गया है। मैं ना भाई साहब हंस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भुलक करूँ मैं आपके पीछे, मैं बहुत सारे सामान भूलता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता नहीं हूँ। बताऊँगा फिर आप कहोगे तुम उल्लू हो, तुम्हारे दिमाग कमज़ोर है, ये सब टाइप के मुझे कमेंट्स आएंगे, इसलिए कि भाई साहब मैं नहीं बताता हूँ। कोई नहीं यार, खो गया। आप देखते किसी तरह मोबाइल तो चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि हम मोबाइल से ही वीडियोज़ वगैरह एडिटिंग करते हैं, तो किसी तरह जुगाड़ लगा लेंगे। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से और थोड़े अपने दिमाग को मजबूत करते हैं। फिलहाल यहाँ चलना है स्नान करने के लिए, ये वाटर मतलब भाई साहब रिवर में तो मैंने बहुत ज़्यादा स्नान किया ये टाइप के रिवर में, बट अभी चलते हैं इसमें झरना में स्नान करेंगे। भाई साहब कितना बड़ा झरना है यार, कल्पेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट साइड में झरना है ये। ओ भाई साहब, अरे भाई पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। अरे भाई साहब बहुत ज्यादा पानी ठंडा है यार, पूरा दिमाग ना मेरा सुन्न हो गया। ओ भाई मजा ही बहुत आ रहा है भाई साहब स्नान करने में, इतने खूबसूरत से वाटरफॉल में। तो भाई साहब हम पूरा नहा धो के यहाँ फ्रेश हो चुके हैं, और हमारे जो कपड़े सारे गंदे थे ना, वो भी हमने यहाँ पे साफ कर रखा है। ये देखो आप भाई साहब, नदी में हमने साबुन की ज़्यादा यूज नहीं की, थोड़ी सी यूज की। और भाई साहब जिनको पता नहीं है, वो हमारी पिछली वाली जाके वीडियोस देख सकते हो। अभी हम कल्पेश्वर महादेव मंदिर के पास है, और यहाँ भाई साहब हमारी पंच केदार यात्रा पूरी होती है। हमने जितने सारे उत्तराखंड में पांच केदार प्रसिद्ध हैं, जहाँ जहाँ महादेव के अंश है, भाई साहब हमने सारे दर्शन कर लिए हैं। और आप लोग नहीं किए जाके वीडियोस देख लो। एक चीज हमने नोटिस की है,
बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ केदारनाथ ही यात्रा करते हैं या फिर रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर यहाँ यात्रा करने नहीं आते हैं। भाई साहब आप कभी पंच केदार यात्रा करना, आपको अंदर से ना काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी। हाँ, और आपको यात्रा करने में अगर कोई दिक्कत होती है, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज करो, मैं भाई साहब जवाब देने के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। और मैं ना भाई साहब एक गुड न्यूज़ देता हूँ जो मेरे ब्लॉग्स देखते हो, ठीक है? तो मुझे ना भाई साहब अकेले ट्रैवलिंग करने में मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आता है, बट थोड़ी सी परेशानी होती है। परेशानी ये होती है ना, कभी मैं जैसे फ्रेश होने के लिए जाता हूँ तो अपना टेंट वगैरह सारा कुछ तो लेके, बैग वैग लेके तो नहीं जा सकता हूँ फ्रेश होने के लिए, तो सारा कुछ ना वहीं छोड़ देता हूँ, उसके बाद जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। बट मुझे ना कहीं डर लगता है भाई साहब कि कहीं कोई टेंट में घुस के बैग से कोई सामान, पावर बैंक या चार्जर तो मेरा खो ही गया, कुछ भी निकाल के लेके चले जाए। इसलिए कि मैं ना कोई ऐसा लड़का है या कोई ऐसा ट्रैवलर है, ब्लॉगर है, यूट्यूबर है जो मुझे ज्वाइन करना चाहता है, तो भाई साहब आपका वेलकम है, आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, बस ये है कि बाइक से आप ट्रैवलिंग करना, क्योंकि अगर आप पैदल लोगे या फिर साइकिल से रहोगे तो फिर तो वही वाली बात हो गई ना। तो आप बाइक से अगर कोई ऐसा यूट्यूबर है, ट्रैवलर है, छोटे मोटे बड़े कोई भी हो, मुझे वो मैटर नहीं करता है, बस आप मेरे साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हो, उत्तराखंड घूमना चाहते हो, हिमाचल घूमना चाहते हो, लद्दाख घूमना चाहते हो, तो भाई साहब आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। साथ में दोनों आदमी मस्त का घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, महादेव का दर्शन करेंगे, ठीक है? तो यही जानकारी मैं आपको देने के लिए यहाँ पे रुका था। बाकी भाई साहब अब देखो, अभी मैं जा रहा हूँ, ये वाला आप रास्ता देखो पूरा जंगल वाला है, आसपास कोई नहीं है, और ये कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने ज़्यादा आते भी नहीं है, इसलिए कि पूरा रास्ता जंगल वाला है। और इस सब रास्ते से गुजरने में ना भाई साहब थोड़ी सी अंदर से थोड़ी सी डर होती है, बाकी महादेव का नाम लेके तो निकल जाता हूँ, बट थोड़ी सी अंदर से डर होती है। इसलिए कि मैं एक नए कोई यूट्यूबर मिल जाए मेरे साथ में, इसके साथ फिर मस्त का ट्रैवलिंग करूँ, मस्त का बातें साथें गप्पे सप्पे लड़ा के ट्रैवलिंग करूँ। हम जोशी मठ में, और यहाँ पे ना एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, नरसिंह मंदिर भी बोल सकते हो आप। अभी चलते हैं नीचे, मैंने बाइक यहीं पार्किंग कर रखी है। नहीं नहीं भैया छोड़ दो, बहुत प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे, काफी बड़ा भी है। ये देखो भाई साहब कितना बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि नरसिंह भगवान जो है ना, जब वो हिरण्यकश्यप का वध किए थे, तो इसी जगह पे आके तपस्या किए थे, विश्राम किए थे। काफी भव्य मंदिर है यहाँ पे, जोशी मठ में स्थित है ये। अभी चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। हिरण्यकश्यप का वध किया था नरसिंह देवता ने, तो इस कुछ इस रूप से किया था ये देखो। भाई साहब जहाँ तक मुझे पता है ना, मैंने बचपन में ये कहानी सुनी थी, मुझे दादाजी सब सुनाए थे कि हिरण्यकश्यप का जब नरसिंह देवता वध किए थे ना, तो वो टाइम ना शाम का था ना दोपहर था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ना वरदान मिला था कि नहीं तुम आग से मरोगे, नहीं पानी से मरोगे, मतलब कुछ से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, नहीं दिन में होगी, नहीं रात में होगी। तो वो टाइम ना एक सांझ का टाइम होता है, सांझ जिस जब सारे पूजा करते हैं सांझ देवता की, तो उस समय ना हिरण्यकश्यप का वध किए थे नरसिंह देवता। जोशी मठ में भाई साहब अगर आते हो तो यहाँ पे जरूर दर्शन करना आप। अभी ना मैं बाइक से 20 से 30 किलोमीटर कल्पेश्वर महादेव से आगे निकला, जस्ट यहाँ पे भाई साहब मेरा सर ना बहुत ज़्यादा घूमने लगा, मतलब मुझे बाइक पे चक्कर आना शुरू हो गया। तो मैंने यहाँ जगह देखा, भैया का दुकान, यहाँ पे आके चेयर में बैठा, 5-10 मिनट बैठा, मुझे लगा अब रिलैक्स हुआ, लेकिन भाई साहब मेरी तबीयत ना धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक चीज़ मैं ना भाई साहब फर्स्ट टाइम आपसे अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, मैं ना कल रात में सपनाया था कि मुझे ना बद्री विशाल के दर्शन करना चाहिए, मतलब बद्रीनाथ। मैं ना स्टार्टिंग में टाल दिया, मैं केदारनाथ से मैं निकला था बद्रीनाथ करने के लिए, लेकिन मैं रास्ते में तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मदमेश्वर, बद्रीनाथ मैं टाल दिया भाई साहब। तो वही मुझे लग रहा है, ऐसा अंदर से होती है ना कि आपको शंका हो जाता है कि नहीं, उस टाइप का मुझे फील हो रहा है कि नहीं मुझे बद्रीनाथ यात्रा करना चाहिए। रात में मुझे सपना में आया कि अभी तुम सब जगह छोड़ के पहले तुम यहाँ से बद्रीनाथ यात्रा करने निकलो, बद्री विशाल जी शायद हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, हम पे शायद उनका कुछ, हमने कुछ अनजाने में गलती कर बैठी है, जो हमसे वो नाराज़ है, गुस्सा है, जिस कारण मेरी तबीयत शायद ख़राब हो रही है, मुझे जो शंका लग रहा है, एक्सपीरियंस लग रहा है, अंदर से महसूस हो रहा है उस टाइप का। ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पे 1-2 घंटे और रेस्ट करते हैं,
अभी 3:30 बज चुके हैं, शाम भी होने वाली है, बट रेस्ट करते हैं, अगर तबीयत ठीक हो गई तो फिर यहाँ से आगे निकल जाएंगे, अब बद्रीनाथ ही करेंगे भाई साहब। अब हम बद्री विशाल के दर्शन करने वाले हैं जैसे हो मुझे, क्योंकि मैं उसके कारण ही मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है और बहुत ज़्यादा भी सीरियस मूड में मतलब जाना है मेरा तबीयत। तो ठीक है, यहाँ पे आधे घंटे एक घंटा रेस्ट करते हैं, अगर तबीयत ठीक हुई तो आगे निकल जाएंगे, नहीं ठीक हुई भाई साहब भैया का दुकान पीछे है। हेलो भैया जी, नमस्ते। तो भैया जी यहीं पे आज रात अगर रुकने के प्लान बन जाए कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, टेंट लगा सकते हैं जी भैया, ये साइड में टेंट लगेगी। भाई साहब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा भैया ख़राब हो रही है, वो तभी से आप देख ही रहे हो। मैं भाई साहब आया, अपनी बाइक लगाया, भैया के पास बैठा, भैया से बातें साथे कर रहा था, मेरी तबीयत ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। भैया ने कहा मेडिसिन ले लो, मेरे पास दवाई तो है, अभी हम दवाई खाते हैं, देखते हैं एक दो घंटा रेस्ट करते हैं, अगर भैया ठीक हो गई तो आगे निकल जाएंगे, नहीं भैया तो रात में स्टे कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं भैया? नहीं कोई दिक्कत। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। ओके भाई, ठीक है भाई साहब देखते हैं। और फिलहाल भैया एक बताना, आप हेमकुंड में कुछ ऐसा अभी घटना हो रहा है क्या? एक घटना हुई थी परसों। परसों क्या हुआ भैया? कल एक क्या सब आया था यहाँ पर, सब मार्टम के लिए सब लाश आई थी, डेड बॉडी। हाँ जी, तो मतलब इस साइड से लाश जा रही थी। हाँ कल इस साइड से जा रही, क्योंकि वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे है ना, तो वो ऑक्सीजन सबकी बहुत कमी होती है हेमकुंड यात्रा में, वो सांस वांस ना फूलने लगती है बहुत ज़्यादा, इसलिए कि परसों एक स्वर्ग चले गए आदमी। होती है यार, ट्रेकिंग करना आसान नहीं होता, आप लोग तो बैठ के घर में वीडियोस देखते हो, बट जो भाई साहब इस फील्ड में उतरते हैं ना, जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको पता चलता है कि भगवान कितने मुश्किल से दर्शन होते हैं। हमने भाई साहब अपनी बाइक को ना ऊपर लगा लिया है और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और कुछ इस टाइप का नज़ारा हो रखा है। हमने भैया से बैठ कर तभी से गप्पे सप्पे लड़ा रहा था यहाँ पे, बट भाई साहब मेरी तबीयत ना कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुई। भैया मार्केट जा रहे थे, हमने भैया का, भैया आप ORS का घोल ले लेना, वही भैया लेकर आए, वही मैंने पी के ट्राई किया, बट हमारी तबीयत ना बहुत ज़्यादा भाई ख़राब लग रही है। और किसी को ब्लॉग में आप लोग को मैं तभी सोच रहा था कि आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा कि तू ये क्या बना रहा है, तो भाई साहब सच में जब मेरे अंदर एनर्जी थी तो मैंने पूरा ट्रैक किया, अभी मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, तो मुझे ना एक दिन की कम से कम रेस्ट चाहिए, क्योंकि बॉडी को फिर रिकवर करना पड़ता है ना। देखो भाई मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है कितनी परेशानी हो रही है, वो आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वही ना आज ना यही स्टे कर लेते हैं, तबीयत हमारी कुछ अभी भी ठीक नहीं लग रही है, बट मेडिसिन वगैरह हमने खाया है, देखता हूँ कल मॉर्निंग कैसी रहती है, अगर अच्छी रही भाई साहब तो यहाँ से मस्त का एनर्जी के साथ निकलूँगा बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए, और अगर हिम्मत हमारी तबीयत काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही तो हम यहाँ से हेमकुंड यात्रा भी करने निकल जाएंगे। तो ठीक है, ये हसीन वादियों से आज का ब्लॉग यहाँ पर खात्मा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और उम्मीद करते हैं महादेव से हमारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए।